अगर आप शेयर मार्केट में निवेश और शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लालच में हैं तो ये खबर पढ़ना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल एमपी के नर्मदापुरम में शेयर मार्केट में निवेश और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में कुछ लोग लाखों रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने कोतवाली थाने में की। फिलहाल कोतवाली पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जाँच में जुटी है। वहीं शहर के प्रतिष्ठित RCC मॉल में प्रॉफिट बुल स्टॉक के नाम से संचालित ऑफिस का संचालक ताला लगाकर लाखों रुपये लेकर फरार हो गया है। पीड़ितों ने लिखित आवेदन में अब कंपनी के संचालक अर्शिल खान और उसकी बहन इरम खान के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ये नगर में स्थित एक मॉल में एक प्रॉफिट कंपनी नाम से एक कंपनी खोली थी एक व्यक्ति द्वारा, और उसमें काफ़ी सारे लोग एसोसिएट्स थे। उनके द्वारा शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए लोगों से पैसे लिए गए हैं और विभिन्न प्रकार की शिकायतें अभी लिखित आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। सभी लिखित आवेदनों पर हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं और तथ्यों पर भी आ रहे हैं। किस लोगों ने कैश के माध्यम से, किसी ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से, किसी ने किसी अलग अलग तरीके से, काफ़ी सारे लोग उसके एम्प्लॉयज़ भी थे, सभी लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और सभी शिकायतों का जांच भी कर रहे हैं, फिर उसके अनुसार विधि के अनुसार कार्रवाई करें। मैंने जो मामा जी के लड़के द्वारा अर्शिल खान से संपर्क हुआ और RCC मॉल में उनने ऑफिस खोला और उनने मुझे बताया कि मार्केटिंग का काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, आपको इन्वेस्ट करना है रुपये तो हम अच्छा प्रॉफिट देंगे आपको। तो मैंने भी बेरोजगार था और घर खेती किसानी से कमा के मेहनत से और कुछ पैसे जुड़े थे पापा जी से लेके, और अर्शिल खान को 8 लाख रुपए दिए जिसमें 99,000 उनने फ़ोन पे लिया ऑनलाइन, बाकी बोले कि हमें नगद चाहिए, तो फिर मैंने नगद दिया। वापस कितना पैसा मिला? वापस 1 रुपये नहीं मिला मुझे अभी तक। तब क्या मेरी समस्या ये है कि अर्शिल खान ने, मेरे को क्लासमेट था वो, उसने मेरे को बोला कि शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं तो थोड़ा इन्वेस्ट करो। मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट करा उसके पास, उसने धीरे धीरे करके और लोगों से मेरे को जुड़वाया, मिलवाया और कई लोगों से अमाउंट लिया उसने, और मेरे द्वारा भी बोला कि आप भी जोड़ो क्लाइंट। के बाद उसने पूरे केस लिए हमसे और कई लोगों ने जो चेक दिया वो चेक भी उनने, तो बोला कि एक काम करो मेरे पास टाइम नहीं है, ऋतिक के नाम का चेक दे दो तो वो वहाँ बैंक से लाके हमें पैसे दे देगा। रिटर्न मांगे तो बोलने लगा कि मैं अभी अकाउंट फ्रीज है, जैसे ही अकाउंट खुलेगा मैं आपके पैसे लौटाऊंगा, और ऐसे ही बोलता रहा। कम से कम 4-5 महीने हो गए और बोलता कि अब दे रहा हूँ करके, और चला गया। फिर वो पता नहीं कहाँ है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा।